हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल ड्राइव क्या होती है और गूगल ड्राइव का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या बेनिफिट है उसका, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, गूगल ड्राइव एक ड्राइवर है जो आपको इजिली से जब आप इन 9 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो भाई वहां पर आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगा। वैसे तो वहां पर बहुत ऑप्शन है लेकिन हम अभी फिलहाल गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं। तो जैसा आप गूगल ड्राइव पर जाते हो और आपके पास 2 घंटे की एक फाइल है और आप चाहते हो कि भाई उसको बस तुरंत मैं ऐसा कर दूं कि वो वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि 2 घंटे की फाइल हम व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर सकते। व्हाट्सएप पे सिर्फ 63 MB की फाइल आप वहां पर सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप उससे बड़ी फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपके पास है या आपका क्लाइंट आपके पास है तो आप तुरंत, मतलब बहुत सारे शेयरिंग के एप्लीकेशन है जो आप शेयर कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू दे सकते हो, मेल के थ्रू, मेल पर भी एक लिमिट होती है उसकी MB की, वहां पर भी लिमिट से ज्यादा आप अगर आपकी वीडियो है तो वहां पर भी आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन गूगल ड्राइव पे चाहे भाई 5 GB की फाइल हो या 2 GB की फाइल हो, आप 2 मिनट के अंदर उसको शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम ओपन लिंक शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपने फ्रेंड को। अगर आपके पास कोई मूवी है और आप अपने फ्रेंड को देना चाहते हो तो भाई आप वहां से लिंक बना करके, ओपन लिंक बना करके आप शेयर कर सकते हो। अगर आप ओपन लिंक नहीं बनाते तो भाई वो डाउनलोड नहीं होगी। तो आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं गूगल ड्राइव के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लैपटॉप के डिस्प्ले पर। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आप 2 घंटे की फाइल को 2 मिनट के अंदर शेयर कर सकते हैं। भाई बेसिकली वैसे तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बैन हो गए हैं, लेकिन और भी हैं जिनसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन वो तब भी पॉसिबल हैं अगर शेयर करने वाला, जिसको आप शेयर कर रहे हो अपनी फाइल, वो आपके साथ में है। लेकिन अगर वही बंदा आपके साथ में नहीं है, आप कहीं दूर उसको 2 घंटे की फाइल शेयर करना चाहते हो और MB ज़्यादा है, तो भाई ये एक मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से अगर आप करोगे तो भाई आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आइकन्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं वो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव को जैसे मैं ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर मैं अपनी फाइल्स वगैरह सेव करके रखता हूँ रॉ, और फिर अगर जो हमें कोई अपनी फाइल बनानी है तो भाई अपना न्यू फोल्डर्स एंड फाइल अपलोड फोल्डर्स, अपलोड फोल्डर्स, गूगल डॉक्स, ये सब है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है पहले, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइल को अपलोड कर देता हूँ, उस फाइल को जो मैं अपने फ्रेंड को शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आउटपुट में चला जाता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर अभी अपलोड होनी शुरू हो गई है। देखो भाई 17 मिनट दिखा रहा था लेकिन आप नीचे देख सकते हो भाई सिर्फ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट लगने वाली है। बस ये है कि इसके लिए आपका नेट की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 MB पर सेकेंड होनी चाहिए या फिर 50 MBPS, मतलब 50-25 तक अगर जो स्पीड है आपकी तो ये भाई अच्छा है। जिससे मेरी अभी 50 MBPS स्पीड है नेट की, तो आप देख सकते हैं लेस देन 1 मिनट के अंदर ये यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको इसका ओपन लिंक बनाऊँगा कि किस तरह से आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ मोबाइल से भी हो जाती है लेकिन मोबाइल से ओपन लिंक नहीं बनता। मोबाइल से जब आप ट्रांसफ़र करोगे सामने वाले को और वो अपलोड करेगा तो वहाँ से वो एक्सेस मांगेगा आपसे, जब तक आप उसको एक्सेस नहीं दोगे वहाँ से वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। ये मोबाइल का डिसएडवांटेज है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ से, अगर आपके पास डेस्कटॉप है और या लैपटॉप है तो आप यहाँ से ओपन लिंक बना के शेयर कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट कोई भी किसी भी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है। अभी हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड होने वाली है विद इन 10 सेकेंड तक, इतने में 10 गिनूंगा शायद अपलोड हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पूरी अपलोड हो चुकी है भाई, 10 गिनती। तो ये सब आप यहाँ की फाइल आ जाती है आपकी, तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, गेट लिंक, गेट लिंक पर क्लिक करेंगे। गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड, इस पर एरो पर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एनीवन विद द लिंक, इस पर आप क्लिक कर देंगे। एंड
यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूवर्स का ऑप्शन आता है। व्यूवर्स के बाद यहाँ पर आप इसको जो एरो है इस पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो है व्यूवर्स का, एक है कमेंटर्स का, एंड है थर्ड वन इज एडिटर। तो आपको एडिटर पर क्लिक करना है, ठीक है। जब एडिटर पर आप क्लिक कर दोगे तभी वो वहाँ से, मतलब जब वो वहाँ पर आपकी इसको डाउनलोड करेगा आपके लिंक को, तो भाई उसको किसी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉपी लिंक एंड डन, एंड अपने व्हाट्सएप में जाओ और उसको इजीली से शेयर कर दो जिसको आपको शेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं विद इन 1 मिनट्स और 2 मिनट्स के अंदर, आप चाहे जितनी बड़ी फाइल हो यहाँ से आप ओपन लिंक बना करके शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।